श्री गुरु अर्जन देव जी पांचवी पातिशाही। अवतार धारण करना। श्री गुरु अर्जन देव जी ने 18 वैशाख 7 संवत 1620 को श्री गुरु रामदास जी के घर बीबी भानी जी की पवित्र कोख से गोविंदवाल अपने ननिहाल घर में अवतार धारण किया। दोहिता बानी का बोहिता। आप जी अपने ननिहाल घर गोविंदवाल की ही पोषित और जवान हुए। इतिहास में लिखा है कि एक दिन जब आप बालक के रूप में अपने नाना जी श्री गुरु अमरदास जी के पास खेल रहे थे तो आप गुरु नाना जी के पलंग को पकड़कर खड़े हो गए। जब बीबी भानी जी उनको पकड़कर पीछे हटाने लगे तो गुरु जी ने अपनी सुपुत्री को कहा, बीबी यह अभी गद्दी लेना चाहता है मगर गद्दी इसको समय डालकर अपने पिताजी से ही मिलेगी। तदुपरांत गुरुजी ने दोनों हाथों से पकड़कर आपको प्यार के साथ ऊपर उठाया और आप जी का भारी शरीर देखकर वचन किया कि जगत में यह भारी गुरु प्रकट होगा, वाणी का जहाज तैयार करेगा जिस पर चढ़कर अनेक प्रेमियों का उद्धार होगा। पिता गुरुजी से यह वचन सुनकर बीबी जी ने बालक अर्जन जी को उठाकर पिताजी के चरणों पर माथा टेका, फिर प्रसन्नता से बालक को अपनी गोदी में लेकर बैठ गई। इस तरह बालक श्री अर्जन देव जी ननिहाल घर अपने मामू श्री मोहन जी और मोहरी जी के घर में बच्चों के साथ खेलते और विद्या ग्रहण करते रहे। श्री अर्जन देव जी की शादी। जब आपकी उम्र 16 वर्ष की हो गई तो 23 अषाढ़ संवत 1636 को आप जी की शादी तहसील फिलौर के मऊ नामक गांव के निवासी श्री कृष्ण चंद्र जी की पुत्री श्री गंगा जी के साथ हो गई। आप जी की शादी के स्थान पर एक बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा बना गया है। यह इस गांव में कुछ पानी की कमी के कारण आप जी का लगवाया हुआ एक कुआं भी आज तक उपलब्ध है। गुरु गद्दी का तिलक। श्री गुरु रामदास जी ने गुरु अर्जन देव जी को हर तरह से गुरु गद्दी के योग्य समझकर भाद्रव सुदी एकम संवत 1639 विक्रमी मुताबक 1 सितंबर सन 1591 को गोविंदवाल जाकर गुरु पद का तिलक दे दिया और आप भाद्रव सुदी तीज को 5 तत्व शरीर को त्याग कर अपने आत्मिक स्वरूप में विलीन हो गए। बाबा प्रीति चंद जी का विरोध और श्री अर्जन देव जी का गुरु अर्जन साहिब जी का धैर्य। गुरु जी के 13वीं वाले दिन जब सभी संबंधी इकट्ठे होकर श्री अर्जन देव जी को पगड़ी बांधने लगे तो प्रीति चंद जी ने कहा कि पगड़ी बांधने का हक मेरा है, मैं बड़ा लड़का हूँ। उस समय बाबा बुढ़ा जी बुद्धिमान सिखों और बाबा मोहरी जी आदि संबंधियों ने श्री गुरु रामदास जी की आज्ञा के अनुसार पगड़ी श्री गुरु अर्जन देव जी को बंधवानी चाही, परंतु आप जी ने झगड़े में न पड़ने के लिए पगड़ी पकड़कर प्रीति चंद जी को दे दी और कहा कि आप मेरे बड़े भाई हो, पगड़ी आप ही बांध लो, मैं दास हूँ। प्रीति चंद जी को क्रोध करके अमृतसर आना। तदुपरांत जब सिख संगत ने श्री गुरु अर्जन देव जी को गुरु मानकर भेंट अर्पण की और माथा टेका तो इसे प्रीति चंद जी अपना अपमान समझकर क्रोध से उठकर अमृतसर आ गए। प्रीति चंद जी का सुलही खां को मिलना। इन दिनों जहांगीर बादशाह का उमराव सुलही खां दिल्ली से लाहौर को जा रहा था। प्रीति चंद जी उसको बड़े चाव से आगे होकर मिले और बताया कि इस समय श्री गुरु नानक देव जी की गद्दी पर मैं आसीन हूँ, आप मुल्क के बादशाह हैं, हमें आपस में मेल मिलाप रखना चाहिए। इस बात से सुलही खां ने प्रीति चंद जी को एक घोड़ा चांदी के जेवरों से सजाया हुआ और कुछ नगद भेंट देकर बहुत सम्मानित किया। यह मेल मिलाप करके सुलही खां आगे लाहौर को चला गया और प्रीति चंद खुशी खुशी डेरे गुर के चक में आ गया। श्री गुरु अर्जन देव जी ने अपने मामे मोहन जी और मोहरी जी से आज्ञा लेकर गोविंदवाल से गुरु के चक आ गए। भाई गुरदास जी का आगरे से आना। उधर जब भाई गुरदास जी ने आगरे में सुना कि श्री गुरु रामदास जी ज्योति ज्योत समा गए हैं तो वह आगरे से अपने साथ कुछ सिखों को लेकर अमृतसर को चल पड़े। जब आप जी व्यास नदी के किनारे पहुँचे तो व्यास नदी का पानी बहुत चढ़ा हुआ देखकर उसने विचार किया
कि इस समय जब यहाँ से पार होने का कोई साधन नहीं है, तो गुरु जी का यह वचन है कि गुरु का वचन बसे जे नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे भाई का न साके जाले। इस वचन के सहारे हमें पार हो जाना चाहिए। तदुपरांत भाई जी संगत सहित सतनाम का जाप करते हुए नदी से पार होकर गोविंदवाल आ गए। गोविंदवाल सबसे मिलकर परिवार का कुशल मंगल पूछकर भाई जी तीसरे दिन गुरु के चक श्री गुरजन गुरु अर्जन देव जी के पास आ गए। गुरु जी का दीवान लगा हुआ था। पहले भाई जी ने आप जी को नमस्कार किया और फिर सारी संगत ने, जो भाई जी के साथ आगरे से आई हुई थी, उन सब ने गुरु जी को माथा टेका। गुरु जी ने सबको यथा योग्य आदर सहित अपने पास दीवान में बैठा कर भाई जी से कुशल मंगल पूछा और भाई जी ने गुरु रामदास के विछड़ने का बहुत बहुत दुख प्रकट किया। गुरु का लंगर और नमकीन रोटियां। तदुपरांत जब भोजन करने का समय हुआ तो लांगरी सिख थाल में चने की दाल, नमकीन, चने के आटे की दो दो रोटियां रखकर गुरु जी और भाई गुरदास जी के लिए ले आया। भोजन करके भाई जी ने पूछा, महाराज, गुरु के लंगर में इस तरह का नमकीन अन्न मिला है, इसका क्या कारण है? तो गुरु जी ने कहा, इसका कारण अपनी बहन यानी माता भानी जी से पूछ लो। जब भाई जी ने लंगर में जाकर बीबी जी को पूछा कि बहन जी, गुरु के लंगर में चने की दाल और आटे की रोटी मिलती है, इसका क्या कारण है? तो बीबी जी ने बताया कि पृथ्वीचंद जी और महादेव जी संगत को प्रेरित करके उनसे सारी कार भेंट लेकर संभाल लेते हैं, तो गुरु जी के लंगर में कुछ नहीं देते, जिस कारण लंगर की यह दशा है। तो भाई गुरुदास जी ने संगत को प्रेरित करना। यह बात बीबी जी से सुनकर भाई जी ने विचार किया कि उत्साह के बिना कुछ नहीं बन सकता, इस संबंध में हमें ही कुछ उद्यम करना चाहिए। यह विचार करके एक दिन भाई जी अपने साथ 5-7 सिखों को गुरु के चक से 3-4 कोस पश्चिम दिशा, जिस रास्ते काबल, कंधार और पोठोहार आदि इलाकों की संगत गुरु जी के दर्शन करने आती थी, जा बैठे। एक चबूतरा बनाकर उस पर एक चादर बिछाकर मोर पंख रखकर बैठ गए। जब काबल कंधार की कुछ संगत आई तो उन्होंने पूछा, यह स्थान किसका है? तो भाई जी ने बड़े प्रेम से बताया कि इस समय गुरु गद्दी पर श्री गुरु रामदास जी के छोटे सुपुत्र श्री अर्जन देव जी सुशोभित हैं। इनको ही गुरु की ज्योति जोत समाते समय गुरु गद्दी पर बैठा गए हैं, परंतु उनके बड़े भाई अपने आप को गुरु बताकर सिख संगत की सारी कार भेंट ले लेते हैं और गुरु के लंगर के लिए कुछ नहीं देते, जिस कारण गुरु का लंगर मस्ताना रहता है और बाहर से आई संगत को बहुत कष्ट होता है। यहाँ दी हुई आपकी कार भेंट श्री गुरु अर्जन देव जी को अर्पण होगी, जिससे गुरु का लंगर चलेगा और आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। इस प्रकार भाई जी की प्रेरणा से गुरु जी की कार भेंट गुरु के लंगर में आने लगी, जिससे लंगर में पहले गुरु के घर के लंगर की मर्यादा के अनुसार खीर, कड़ा आदि अटूट बंटने लगा। बाबा पृथ्वीचंद का भाई गुरदास के प्रति क्रोध। जब इस प्रकार भाई गुरदास जी सिख संगत को प्रेरित करके उनकी भेंट श्री गुरु अर्जन देव जी के पास ले आए, तो पृथ्वीचंद जी ने भाई जी को गुरु मारिया आदि कड़वे वचन कहकर बुरा भला भी कहा। गुरु जी ने पृथ्वीचंद को कहा कि अगर मैं अपने लोभ लालच के लिए अयोग्य बातें करता हूँ, तब मुझे आपके वचनों से कष्ट होगा, परंतु अगर मैं सार्थक काम कर रहा हूँ तो फिर आपका कहना व्यर्थ जाए और मुझे कोई दुख कलेश ना हो। श्री पृथ्वीचंद जी और महादेव जी को गुजारा मिलना। तदुपरांत संगत की ओर से सारी कार भेंट जब गुरु जी के पास जाने लगी, तो पृथ्वीचंद जी और श्री महादेव जी ने कहा कि इस कार भेंट में से हमें अपने गुजारे के लिए कुछ हिस्सा मिलना चाहिए।
तब श्री गुरु अर्जन देव जी ने श्री पृथ्वी चंद जी को गुरु के बाजार की दुकानों का किराया और बाजार की आड़त की आमदनी दे दी और श्री महादेव जी को चौक पासियां की दुकानों की आड़त की आमदनी गुजारे के लिए कह दी। इस प्रकार कार भेंट सारी गुरु जी के पास आने लगी, जिससे गुरु का लंगर और गुरु घर के और खर्च का निर्वाह होने लगा और तीनों भाई मिलजुल कर रामदासपुर में रहने लगे। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। वाहे गुरु वाहे गुरु, तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।